नमस्कार, हम अभी मौजूद हैं पूर्णिया जिले के अमूर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत डवाबाड़ी पंचायत के डवाबाड़ी गांव को रौटा गरीब नवाज से डवाबाड़ी गांव को जाने वाली मुख्य सड़क है। इसी सड़क के ये कहा जाए कि बीच का नज़ारा है। यहां पर अभी मौजूद हैं, आप सीधा देख सकते हैं कि सुबह के लगभग 7:30 होने के आसपास है और यहां पर लोगों की भीड़ जमी हुई है। आप देख सकते हैं कि एक बाइक का जो है आधा भाग जो है आप देख सकते हैं पानी में डूबा हुआ है और वहीं पर हाथ भी दिख रहा है कुछ, जिससे प्रतीत हो रहा है कि किसी न किसी व्यक्ति का जो सब जो है ये बाइक के साथ वो हो सकता है सड़क दुर्घटना के शिकार हुए हों। लेकिन ये बाइक और उसी के कुछ दूरी पर ही दोनों हाथों की कुछ उंगलियां भी दिख रही है, ये सीधा आप देख रहे हैं। और सामने में बाइक है और संभवतः जब लोग यहाँ सुबह गुजर रहे होंगे उन लोगों को कुछ लोगों को दिखाई दिया होगा, उनके बाद धीरे धीरे एक के बाद एक लोगों को खबर गई होगी। और ये पूरा मजमा ये देख सकते हैं कि आप पूरा मजमा यहाँ पर पहुँचा हुआ है और कुछ लोग कयास लगा रहे हैं किसका सब है किसका नहीं, लेकिन लोगों में कुछ अलग तरह की भ्रांतियाँ हैं। जब तक ये सब पूरी तरह से निकल नहीं जाए तब तक ये पूरी तरह से सटीक नहीं बताया जा सकता है कि आखिरकार ये किसका सब है। फिलहाल यहाँ पर सभी डवाबाड़ी ग्रामीण भी हैं और आसपास के लोग, जैसे जैसे लोगों को खबर मिल रही है सभी लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हालांकि स्थानीय लोगों के द्वारा पुलिस को भी सूचना दी गई है और सूचना मिल रही है कि पुलिस भी निकल चुकी है घटनास्थल पर आने के लिए। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, हम बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? जी नवेद आलम। कैसे आपको खबर हुआ? जी हम सब सो करके उठे तो सुने के देखो मर्डर किया हुआ है, गिर गया कर, तो हम लोग आए तो देखे के, कितने बजे आए होंगे आप लोग? अभी आने का आधा घंटा घंटा। तो लगभग आज मौसम भी कुछ अलग तरह का है, आप देख सकते हैं कि अभी भी चारों तरफ कुहासा है, यानी इस सदी का कहा जाता है 2024 का इस तरह का मौसम पहली बार, अब पूरा तरह से कुहासा लगा हुआ है। खेत खलियान भी यहाँ दूर से नहीं दिख रहा, यहाँ तक कि बगल में नहीं दिख रहा, यानी ये कुहासा का जो है मंजर जो है आप देख सकते हैं पहली बार 2024 में। यानी अब कहीं ना कहीं ठंड धीरे धीरे, अब सही माने में ठंड का क्या असर होता है वो देखने लगा है। स्थानीय लोग भी हैं और ये दूर दराज के भी लोग मौजूद है, सीधा आप देख रहे हैं। हम एक बार फिर बताना चाहेंगे जो लाइव में देर से जुड़े हैं, ये पूर्णिया जिले के अमूर थाना क्षेत्र अंतर्गत रौटा गरीब नवाज से डवाबाड़ी जाने वाली सड़क के बीचे बीच का ये नज़ारा है, जहां पर एक व्यक्ति का शव है और एक बाइक भी है, और जिसे देखने के लिए पूरा मजमा जो है आप देख सकते हैं कि लोगों की भीड़ धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ती हुई, और सभी लोग बस यही कह रहे हैं कि किनका सब है। फिलहाल जब तक ये सब निकलेगा नहीं तब तक बताना पूरी तरह से सही नहीं होगा कि ये आखिरकार सब किसका है। फिलहाल लोग अलग अलग तरह के कयास लगा रहे हैं कि स्थानीय डवाबाड़ी का ही सब हो सकता है, लेकिन जब तक ये सब नहीं निकले तब तक किसी भी जल्दबाजी में, मेरे ख्याल से जल्दबाजी करना गलत होगा, इसीलिए सभी लोग इंतजार कर रहे हैं प्रशासन का। पुलिस टीम को सूचना दे दी चुकी है, हालांकि चौकीदार यहां पर मौजूद है, उनसे बातचीत हुई है, और अमूर पुलिस, चूँकि ये अमूर क्षेत्र है तो निकट यहां पर रौटा, लेकिन ये क्षेत्र जो है अमूर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसीलिए अमूर थाना की पुलिस टीम यहां पर पहुंचेगी, उसके बाद फिर आगे की कार्रवाई होगी, तब पूरी तरह से पता चल पाएगा कि आखिरकार ये किस व्यक्ति का शव है। फिलहाल दुर्गा पूजा था, कल दशहरा था, दशहरा जब विजयादशमी का पर्व कल संपन्न हुआ, देर रात तक विसर्जन हुआ, लगभग 11:30 के आसपास रौटा दुर्गा मंदिर में विसर्जन का भी कार्य संपन्न हुआ, वहां भी पुलिस प्रशासन की टीम पूरी तरह से मुस्तैद थी। अब ये घटना कैसे हुई, किस तरह हुई, देखने से अलग तरह का प्रतीत हो रहा है, हो सकता है कि कहीं बाइक से तेज रफ्तार से आ रहे हो और बाइक में अचानक ब्रेक लगाने के बाद वो गिर गए हो, अनियंत्रित हो गए हो, या किसी तरह की कहा जाए कि मर्डर कर करके भी इस तरह की घटना की जा सकती है। फिलहाल जब तक सबको
नहीं निकाला जाएगा, सबकी स्थिति को नहीं आकलन किया जाएगा, पोस्टमार्टम नहीं होगा, तब तक पता लगाना ये संभव नहीं है कि आखिर ये घटना किस कारण से हुई है। फिलहाल मैं देख रहा हूँ कि एक एक कर करके सभी ग्रामीण यहाँ पर पहुँच रहे हैं और मजमा लगा हुआ है, सभी को इंतजार है कि आखिरकार ये सब किसका है। पुलिस लगभग अमूर से निकल चुकी है, जो सूचना यहाँ के स्थानीय चौकीदारों द्वारा दिया गया है कि पुलिस भी निकल चुकी है और चंद ही मिनटों में पुलिस भी पहुँचेगी, उसके बाद ही पूरी तरह से आपको बता पाएंगे कि आखिरकार ये सब किसका है। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद आजाद। कैसे, कब आपको सूचना मिला? सुबह हम लोग तो देखने आए, मंगलपुर घर है। अच्छा, मंगलपुर है, तो इसी तरह है जैसे वैसे देख रहे हैं वैसे ही है। हाँ, इसी तरह है। सभी लोग का कहना है कि सुबह जब एक एक करके सूचना मिली मंगलपुर वगैरह से, यानी मैं कह रहा हूँ जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है, चूंकि सोशल मीडिया का जमाना है, लोग एक दूसरे को फोन कर देते हैं, एक दूसरे को वीडियो डाल दे रहे हैं और लगातार लोगों को जानकारी मिल रही है, जैसे जैसे लोगों को जानकारी मिल रही है लोग आ रहे हैं, आ करके लोग जो है ये देख रहे हैं कि क्या कहीं मेरा परिचित तो नहीं है, यानी लोगों में एक अलग तरह की संशय बनी हुई है कि आखिरकार ये सब किसका है। चूंकि सब का दो चार उंगलियां, दोनों हाथ की दो चार उंगलियां ही दिख रही है और कुछ के पास में ही बाइक है, बाइक का आधा पार्ट्स दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं लोगों में एक अलग तरह का संशय बना हुआ है कि ये सब किसका है। फिलहाल पुलिस के पहुंचने के बाद ही, जब सबको निकाला जाएगा उसके बाद ही पूरी तरह से शिनाख्त हो पाएगी कि ये सब किसका है। फिलहाल स्थानीय लोगों का कहना है कि हो सकता है डवाबारी के कुछ किसी व्यक्ति का हो, फिलहाल इस तरह का संशय यहाँ बना हुआ है। कुछ लोग अपने में बातचीत कर रहे हैं कि डवाबारी का ही स्थानीय कोई किसी व्यक्ति का सब हो सकता है। फिलहाल ये कयास लगाए जा रहे हैं, फिलहाल जब तक पुलिस टीम नहीं आती है और जब तक इस सब को पूरी तरह से बाहर नहीं निकाला जाता है, तब तक ये कहना शायद मुझे लगता है कि जल्दबाजी होगी। कुछ परिजन यहाँ रो भी रहे हैं, उनको ये लग रहा है कि उनका ही परिवार का ये सदस्य है। मैं दिखाना चाहूंगा कि जो परिजन यहाँ रो रहे हैं, देखिए हटिया हटिया, तो पीछे होगा देखे थोड़ा सा, हटिए ना, हो यहाँ आप देख सकते हैं कि परिजन जिन्होंने बाइक से पहचाना है कि बाइक जो आधा दिख रहा है, और शायद इनके जो व्यक्ति हैं वो घर नहीं पहुंचे हैं, घर से लापता है, तो संभवतः उनको लग रहा है कि ये सब उनका ही है, इसीलिए सभी परिजन यहाँ बाइक को पहचान करके चिंतित हैं कि वो उन्हीं का सब है, क्योंकि घर भी नहीं पहुंचे हैं वो। कैब जो आप लोगों को पता चला, ये हम लोग को सवेरे पता है, रात भर किसी नहीं आया, तो रात भर नहीं आया तो उसका भाई बोलने लगा कि वो तो ऐसे ही जाता है, कभी कभार लेट हो जाता है, कई घंटे में फोन उन रात में नहीं लगा, शायद फोन लगाया कि क्या नाम हुआ आपका? आपका नाम शांति देवी। वो आपका पुत्र था? हवा उठा दे।
देखिए थोड़ा सा साइड उठो, ए आगे से साइड उठो, साइड सारे को साइड उठो, कोई सर झुकेगा ए भागे भागे आगे नहीं चले जाए, ए मैं थोड़ा साइड हो के नहीं साइड हो साइड हो कूदे ए मां चोर बाप। ये संभवतः उस व्यक्ति जिसका सब यहां पर संदेह है उनकी मां रो रही है, क्योंकि परिजनों का कहना है कि रात को वो घर नहीं लौटे हैं और ऐसा कह के गए हैं कि रौटा जो प्रतिमा विसर्जन है उस विसर्जन में हम गए हैं और सभी यहाँ रो रहे हैं एक एक कर करके। जैसे जैसे परिजनों को सूचना मिल रही है ये सीधा आप देख रहे हैं, बहुत दुखद घटना है यहाँ पर और परिजनों ने पहचान लिया है सबको, संभवतः ये सब स्थानीय लोगों की है। मीडिया वाला तो पहुंच गया। संभवतः ये सब स्थानीय बताया जा रहा है, लोग यहाँ धीरे धीरे पहुंच रहे हैं और सभी को इंतजार है पुलिस टीम का। आप देख सकते हैं कि एक एक कर करके जो है स्थानीय लोगों के साथ साथ दूर दराज के लोगों की भी संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और सभी जैसे जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से सबको सूचना मिल रही है सभी लोग एक एक कर करके जो है पहुँच रहे हैं और सभी को इंतजार है। स्थानीय जो कहा जाए कि अमूर थाना क्षेत्र है, अमूर थाना पुलिस टीम का इंतजार है और सभी बस इसी बात का इंतजार है कि पुलिस टीम आए और पुलिस टीम आने के बाद जो है इस सब को निकाले, फिर पूरी तरह से ये सब का शिनाख्त हो सके। फिलहाल स्थानीय परिजन जो है जिनका बताया जा रहा है कि वो रौटा प्रतिमा विसर्जन के लिए निकले थे और प्रतिमा विसर्जन के बाद देर रात तक वो घर नहीं लौटे हैं, तो ऐसी प्रतीत है, ऐसे कयास लगाया जा रहा है, बाइक को भी देख करके पहचान लिए हैं वो लोग कि हो सकता है उन्हीं का सब हो। उनके परिजन यहाँ पर पहुँच चुके हैं और परिजन कोलाहल हैं, करीब परिजन रो रहे हैं। अब आप देख सकते हैं सीधा कि मजमा जो है भीड़ का जो है वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ। फिलहाल अब पुलिस आने के बाद ही पूरी तरह से पुष्टि हो पाएगी कि आखिरकार ये सब स्थानीय व्यक्ति का है जिनके परिजन यहाँ रो रहे हैं उनका है या किसी और का। फिलहाल अपडेट के लिए बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।